जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं रोहित सर। आप लोग के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कक्षा 10 के लिए है, जो जनन से अक्सर पूछा जाता है। जनन के लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों से पूछा जाता है कि मुकुलन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। माने मुकुलन किसे कहते हैं, उसे चित्र सहित बताइए कि मुकुलन क्या होता है। पहले समझिए, देखिए मुकुलन जो होता है वो अलैंगिक जनन का प्रकार होता है। अलैंगिक जनन क्या होता है, हमने आपको पिछले वीडियो में लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर बताया है, आप जाकर के वहां देख लीजिएगा। लेकिन अलैंगिक जनन में एक जनक होता है और जनक के शरीर टूटता है, उससे नए संतान का निर्माण होता है। तो उसी संबंधित एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रा में मुकुलन। ध्यान सुनिएगा, पहले मुकुलन होता क्या है, ध्यान सुनिए मुकुलन होता क्या है। देखिए मुकुलन का अर्थ क्या होता है, देखिए मुकुल मुकुल न मुकुलन, इसे अंग्रेजी में कहते हैं बडिंग। क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। देखिए अलैंगिक जनन का यह एक प्रकार होता है। इसमें क्या होता है, जनक के शरीर पे थोड़ा सा उभार आता है। ध्यान सुनिएगा, कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा और लिख भी लेंगे। पहले क्या होता है कि जनक के शरीर पे थोड़ा सा उभार आता है और जो उभार आता है उसी को मुकुल कहते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, जनक के शरीर में थोड़ा सा उभार आएगा और उसी उभार को क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। धीरे धीरे यह मुकुल उभार बड़ा होगा, ठीक। जैसे यह है, इसमें थोड़ा सा उभार आया है, अब धीरे धीरे उभार क्या होगा, बड़ा होगा और एक समय आएगा कि यह जनक के शरीर से अलग हो जाएगा। मतलब ये जो जनक है, जिनके शरीर में उभार आ रहा था, ठीक ना, मुकुल आ रहा था, वह बड़ा होगा और अपने जनक के शरीर से अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद, ठीक ना, उसी से नए जीव का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। जैसे वो हाइड्रा होता है, किस होता है, हाइड्रा। देखिए अब आप अगर फिगर को जरा समझिए, आप जरा आप लोग थोड़ा सा फिगर को समझिएगा। देखिए फिगर को जरा समझिए, देखिए देखिए बच्चा, फिगर में क्या होगा कि ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा है और हाइड्रा का ये क्या है, स्पर्शक है, ठीक। ये हाइड्रा का क्या है, स्पर्शक है। ये देखिए हाइड्रा, इसका ये स्पर्शक है, ठीक। क्या है, स्पर्शक, माने इसी के द्वारा ये आगे की तरफ क्या करता है, आगे किसी चीज को, आगे क्या है खाने के लिए, क्या कोई आक्रमण कर रहा है, ये सब उससे बचाता है। ये जनक का शरीर, देखिए ये हाइड्रा, ये जनक का शरीर है। अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा ये इसका टेंटिकल्स है, माने क्या है, स्पर्शक है, ठीक। अब देखिए, अब इसमें थोड़ा सा उभार आया है और इसी उभार को हम लोग क्या कहते थे, मुकुल कहते थे। इसी उभार को क्या कहते थे, मुकुल। अब धीरे धीरे क्या होगा, इसमें ये मुकुल बड़ा होगा। देखिए अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ध्यान देखिए, पहले छोटा था अब ये बड़ा हो रहा है। अब और थोड़ा सा और समय बीतता गया और मुकुल बढ़ता गया, ठीक। अब ये बहुत बड़ा हो गया, देखिए मुकुल इतना बड़ा हो गया। अब ये जब बड़ा हो गया तो कुछ समय के बाद देखिए, अब यह है यहां से कटकर ये जनक के शरीर से अलग हो गया, ठीक ना। ये जनक के शरीर से क्या हुआ, कटकर अलग हो गया। जब ये कट के अलग हो गया तो जनक से किस कोशिका का निर्माण हो गया, पुत्री हाइड्रा, यानी पुत्री कोशिका का निर्माण हो गया, यानी नए संतान का निर्माण हो गया। इसी को कहते हैं हाइड्रा में मुकुलन। माने हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। और कौन जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, क्योंकि देखिए इसमें एक ही जनक है, ठीक है ना। अब आप लिखेंगे कैसे, ध्यान सुनिएगा आप लोग, सबसे बड़ी बात है कि लिखेंगे कैसे, लिखिएगा कैसे, ध्यान दिखिएगा थोड़ा सा। देखिएगा अलैंगिक जनन की वह विधि, मुकुलन क्या लिखेंगे, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसके अंतर्गत जनक के शरीर में थोड़ा सा उभार आता है, जिसे मुकुल कहते हैं। धीरे धीरे यह मुकुल बड़ा होता है। जैसे बड़ा होगा
और जनक के शरीर से, और जनक के माने पिता के शरीर से, उस कोशिका के शरीर से अलग हो जाता है। क्या होता है? अलग हो जाता है, अलग हो जाता है, और नए संतान का निर्माण करता है, नए संतान का निर्माण करता है, निर्माण करता है। यही है मुकुलन, मुकुलन यही है। ठीक, आप ऐसे समझिए जैसे हमने बताया था कि हाइड्रा में, तो हाइड्रा का फिगर इस प्रकार से बना दीजिएगा और हल्का से आप उभार कर दीजिएगा। फिर अगले में बता दीजिएगा कि ये किसका टेंटिकल हो गया और ये मुकुलन, अब ये उभार क्या होगा, अब हल्का हल्का बड़ा हो रहा। फिर अब धीरे धीरे क्या होगा कि इस हाइड्रा के शरीर से ये मुकुलन जो था, अब ये जिसके शरीर से अलग होगा। अब अलग होने के बाद इससे एक नए संतति कोशिका का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिएगा परिभाषा, एक और सुनिए। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसके अंतर्गत जनक के शरीर में थोड़ा सा उभार आता है, उसे मुकुल कहती है। उभार धीरे धीरे बड़ा होता है और जनक के शरीर से अलग हो जाता है, उसी से नए जीव का निर्माण होता है, इसे मुकुल कहते हैं। ठीक है, यह आपको जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।